हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहित ऋषभ वर्मा में। तो अभी हम है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में और आज हम आपको मथुरा वृंदावन में एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जहां पर आपको रहने की सुविधा बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था मात्र 50 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू हो जाती है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल रूम भी बुक करा सकते हैं, या फिर आप किसी बड़े ग्रुप में आए हैं तो यहाँ पर हॉल भी आप बुक करा सकते हैं। यहाँ पर आपको एसी और नॉन एसी दोनों तरीके के कमरे मिल जाएंगे। यहाँ पर खाने पीने की भी बहुत ही सस्ते ऑप्शन अवेलेबल हैं। और ये जो जगह है दोस्तों, वो प्रेम मंदिर पे मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, आप इसको कैसे बुक करा सकते हैं और अंदर आपको किस किस तरीके के कमरे मिल जाएंगे और यहाँ पर खाने पीने के क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, इन सारी बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। तो बिना टाइम खराब करे शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो राधे राधे। तो जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही आपको एक बड़ा सा कॉमन हॉल दिख जाएगा। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी चेयर्स रखी हुई है तो यात्री यहाँ पर बैठकर आराम से रिलैक्स भी कर सकते हैं। और उसके अलावा इन्होंने हॉल में एक बड़ा सा कॉमन टीवी भी लगाया हुआ है तो यहाँ पर यात्री बैठकर आराम से टीवी को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनके रूम कैटेगरीज के बारे में। तो इनके ग्राउंड फ्लोर पर जितने भी रूम्स अवेलेबल है वो सभी सेपरेट रूम्स हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं जिसमें 4 से 5 लोग हैं तो आप अलग से अपने लिए कमरा ले सकते हैं। सेपरेट रूम्स में भी इनके पास 2 कैटेगरी हैं, एसी और नॉन एसी। दोनों ही रूम सेम रहते हैं, बस आपको एसी का डिफरेंस मिलेगा। एक सेपरेट रूम में आपको 4 से 5 बेड मिल जाते हैं और एक अलमीरा मिल जाती है सामान रखने के लिए। इसमें एसी रूम का जो चार्ज रहता है वो 200 रुपये पर पर्सन रहता है और नॉन एसी रूम का जो चार्ज रहता है वो 150 रुपये पर पर्सन रहता है। अब हम आपको इनके फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले चलते हैं जहां पर इनकी डॉर्मेट्री अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमें लगभग 50 बेड के करीब हैं। आप इंडिविजुअल भी पर पर्सन अपने लिए इसमें एक बेड ले सकते हैं, या फिर आप अगर पूरी बस लेकर आए हैं या आप एक बड़े ग्रुप के साथ आए हैं तो आप एक पूरे हॉल को भी बुक करा सकते हैं। डॉर्मेट्री के जो चार्जेस रहते हैं वो 150 रुपये पर बेड एसी हॉल का रहता है और 100 रुपये पर बेड नॉन एसी हॉल का रहता है। चार्जेस सेम ही रहते हैं, अगर आप अकेले के लिए भी बेड लेते हैं तो भी चार्ज यही रहता है, या फिर आप बड़े ग्रुप में आते हैं तो भी चार्ज सेम ही रहता है पर बेड का। अगर आपका बजट 150 रुपये से भी कम है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ इनके पास ऐसे कॉमन हॉल भी अवेलेबल हैं जिसमें आपको पूरा बिस्तर सेट मिल जाता है, जिसमें आपको एक गद्दा, एक बेडशीट, एक तकिया और एक चादर मिल जाती है, जिसे आप एसी हॉल या नॉन एसी हॉल दोनों में से किसी में भी चूज कर सकते हैं। बट अगर आप एसी हॉल चाहते हो तो उसमें जो चार्ज रहता है वो 100 रुपये पर एडल्ट रहता है और नॉन एसी हॉल का जो चार्ज रहता है वो 50 रुपये पर एडल्ट रहता है। तो दोस्तों, इससे सस्ता और अच्छा पूरे मथुरा वृंदावन में आपको रुकने का ऑप्शन गारंटेड कहीं भी नहीं मिलेगा और आपको खाने पीने के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहीं पर ही इन्होंने 50 रुपये में खाने की भी व्यवस्था करी हुई है जिसमें आपको भरपेट भोजन मिलता है 50 रुपये में। इसके अंदर आपको 2 सब्जी, रायता, सलाद, चावल, रोटी, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और अगर आप अपने साथ खाना बनाने के साधन भी लाए हैं तो यहाँ इन्होंने एक पर्यटक रसोई क्षेत्र भी बनाया हुआ है जहाँ आप आराम से बैठकर अपने लिए खाना भी बना सकते हैं। और इस पर्यटक रसोई क्षेत्र को यूज करने का कोई भी किराया नहीं रहता है, ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है इनकी तरफ से।
और इस फैसिलिटेशन सेंटर में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो है यहाँ की इतनी बड़ी पार्किंग, जहाँ 50 से ज़्यादा बसेस खड़ी हो सकती हैं और 100 से ज़्यादा कार की पार्किंग यहाँ पर अवेलेबल है। और दोस्तों, यहाँ से प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन टेम्पल भी मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। दोस्तों, अगर आप मथुरा वृंदावन घूमने आ रहे हैं तो इससे सस्ता और अच्छा ऑप्शन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इनके बुकिंग प्रोसेस के बारे में। तो आप इसे यहाँ पर डायरेक्ट आके बुक करा सकते हैं या फिर आप इसे ऑन कॉल भी बुक करा सकते हैं। इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो इसे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो लाने के लिए। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है वो हम टाइम टू टाइम इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं। हमारा इंस्टा लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, तो फटाफट से उसे फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।